वार्ता करने की बात सोची। ये 1991 में बड़े भैया उदेश राय जी की हत्या हुई थी और वो मुकदमा लगातार बनारस में चल रहा था। उनके मंत्री, उनके विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, प्रियंका जी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पंजाब में उनको रोकी हुई है कांग्रेस की सरकार। अरे भाई, आपकी सरकार देश में है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप उनको लाइए, ले आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और सुरक्षा देने की बात, मुझे सुरक्षा कोर्ट ने आदेश किया है सुरक्षा के लिए, उसके बावजूद भी कोई भी अभी तक कोई सुरक्षा मुझे नहीं दी गई। एक केवल मेरे पास गनर है, वो भी पूर्व विधायक के नाते मेरे पास सालों से चला आ रहा है, जिसमें 10% का अंशदान हमारे द्वारा दिया जाता है, पूर्व विधायक के तौर पर मुझे वो मिला हुआ है। और पूरी तरीके से सरकार, मुख्तार अंसारी, उनके जो भी लोग हैं, उनको सरकार बचा रही है। इन्होंने स्टे कराया था और ये वैकेट हुआ है और उसमें जीरा की कार्रवाई चल रही थी जब बम ब्लास्ट हुआ था बनारस में, आप सबको ध्यान होगा। उस बम ब्लास्ट के बाद स्टे ले लिया था इन लोगों ने और वो फिर मुकदमा चालू हुआ है और उसमें हम सब लोग गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, वादी मुकदमा है। और उसमें पूरी तरीके से 9 तारीख को हम सब लोग उसमें जो भी उसमें चीज़ें छूटी हैं उसको हम पूरा करने के इलाहाबाद हम लोग जाएंगे। सुबह यहाँ से घर से 6 बजे निकलेंगे, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम सब लोग इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। और आपको बता दूं कि इसमें पूरी तरीके से सरकार को कोर्ट ने आदेश किया है, MP MLA कोर्ट ने आदेश किया है कि तत्काल उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनको बनारस से इलाहाबाद कोर्ट लाने ले जाने के लिए पूरी समुचित व्यवस्था की जाए। आदेश कोर्ट का आदेश है मेरे पास, उसके बाद भी अभी तक यहाँ की प्रदेश की सरकार जो अपने आप को लगातार ये कहती है कि हम सब लोग ऐसे मुकदमे में ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक जैसे लोगों के खिलाफ खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से पहला मुकदमा है पूरे मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसमें पूरी दमदारी के साथ गवाही की गई है और उसमें निश्चित तौर से उन्हें सजा होगी। और ये सरकार के प्रवक्ता, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक भाजपा के, ये लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल जी, हमारे नेता प्रियंका जी, ये लोग निश्चित तौर से उन्हें बचा रहे हैं। ये पूरी तरह कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देती, कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि जो उनके साथ आ गया, अपराधी है किसी भी तरीके का, वो चोर है, डकैत है, बलात्कारी है, वो आ गया, भाजपा का सदस्य हो गया तो वो बहुत बड़ा संत हो गया और उनके लिए बहुत उपयोगी हो गया। और हम सब लोग ये मांग करते हैं, हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज दिया है और अवगत करा दिया गया है कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमारी घटना, हमारे साथ कभी भी घटना घट सकती है, हमारी हत्या हो सकती है। और निश्चित तौर से मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी जो पंजाब के जेल में बंद है, उनके खिलाफ अगर हम ये करेंगे तो मेरे खिलाफ ये कुछ भी ये करवा सकते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल हमारी सुरक्षा, हमारे जितने भी साथी दोस्त हैं सबकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। महान विधायक मुख्तार अंसारी के द्वारा लिया गया था, जिन्होंने उस पूरे मुकदमे को स्टे कराया था, वो हम सब लोग लगे थे कि कैसे वो स्टे तुरंत वैकेट हो और वो स्टे वैकेट हुआ। और उसमें पिछली 1-2 तारीखें पड़ी हैं, 9 तारीख को इलाहाबाद स्पेशल कोर्ट जो MP MLA कोर्ट है उसमें उस मुकदमे की फिर से गवाही तो मेरी हो गई है और पूरी गवाही ठोक कर हुई है, जिसमें मुख्तार अंसारी को निश्चित तौर से सजा होनी है। और कि 3 अगस्त 1991 को मेरे बड़े भाई स्वर्गीय उदेश राय जी की हत्या हुई थी, उसमें मैं उनके साथ था, चश्मदीद गवाह हूँ, वादी मुकदमा भी हूँ, जिसमें मुख्तार अंसारी मुख्य मुलजिम है और उनके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था। बम ब्लास्ट हुआ था कचहरी में जब हम लोगों का जीरा चल रहा था बनारस में, कलरा साहब की कोर्ट में, उसके बाद इन लोगों ने उसको स्टे करा दिया था। वो स्टे वैकेट हम लोगों ने कराया है और वो पूरी तरीके से 1-2 तारीख अभी बीच में भी पड़ी थी पहले भी, जिसमें सुरक्षा इन्होंने नहीं दिया, मेरी जानकारी में नहीं है। फिर अभी ये 9 तारीख को उस पर इलाहाबाद कोर्ट में मुझे जाना है, स्पेशल कोर्ट में 6 बजे हम सब लोग सुबह संकट मोचन मंदिर दर्शन करके हम लोग सब लोग इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे और निश्चित तौर से मुख्तार अंसारी के खिलाफ हम लोग उसमें जो भी प्रोसीडिंग बची है उसको पूरा करेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। CM को भी पत्र लिखा है? CM को पत्र लिख दिया, अवगत करा दिया, MP MLA कोर्ट का आदेश का है कि इनको सुरक्षा 24 घंटे राउंड द क्लॉक इनको सुरक्षा की जाए, ताकि दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ ये इन गवाही कर रहे हैं, जीरा कर रहे हैं, इनको सुरक्षा दी जाए। उसके बाद ही मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई और हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि तत्काल जो है हम लोगों को सुरक्षा दी जाए।
हम लोगों की हिफाजत की। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपको खतरा किससे आखिरकार? अरे मुख्तार अंसारी बता तो दिया कि भाई जो उसमें मेन जो मुलजिम है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो इतना बड़ा अपराधी जो पंजाब की जेल में बंद है, और पूरी तरीके से सरकार के प्रवक्ता, सरकार के लोग ये कहते हैं कि उनको कांग्रेस के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कांग्रेस से सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? आप हमें सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मैं गवाह हूँ, मेरी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कांग्रेस सपोर्ट कर। कांग्रेस में अपराधियों को जगह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपराधी रहते हैं, चोर डकैत रहते हैं, वो जब इनके साथ आते हैं तो संत हो जाते हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ से उनको रिलीज नहीं कर रही, यूपी नहीं भेज रही है। ऐसा कौन सा कानून है? आप कानून के तहत आप ले आइए, आप जब जाएंगे लाना चाहेंगे तो बिल्कुल लाएंगे। प्रदेश में सरकार आपकी है और केंद्र में भी सरकार आपकी है, आप ले आइए उनको, ले आकर अस्पताल में, अगर बीमार हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश के अस्पताल में उनका इलाज कराइए। कौन लोग बचा रहे हैं उनको? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। कौन है कुछ नाम? अरे मुख्यमंत्री शामिल उसमें होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, इनके मंत्रीगण होंगे, इसमें इनके लोग शामिल होंगे। अब ये लोग आप उनसे पूछिए कौन लोग उसमें शामिल है। मेरा सीधा आरोप है कि भाजपा की सरकार उनकी मदद कर रही है, हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे रही है, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, और हम सब लोग उसमें मुख्य गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं। अगर आजकल मेरे साथ कोई घटना घट जाएगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, योगी सरकार की होगी।